अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीएससी घोटाला और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में 6 अक्टूबर को छात्र आक्रोशित रैली निकाली जा रही। रैली दोपहर 12 बजे बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन से होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरेगी। इस दौरान पीएससी घोटाला और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव का कहना है कि साल 2021 में हुई सीजीपीएससी की परीक्षा में चेयरमैन सहित अधिकारियों और नेताओं के करीबी रिश्तेदार की भर्ती के बाद अब 2022 में भी पीएससी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी उजागर हो गई है। ऐसे में दिन रात मेहनत करके पीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म, हत्या और चाकूबाजी जैसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं, जिस पर शासन प्रशासन अंकुश लगाने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। हम सभी के ध्यान में है कि चाहे वो सीजीपीएससी का परीक्षा परिणाम हो, चाहे वो एसआई परीक्षा का परीक्षा परिणाम हो, लगातार ऐसे भर्ती प्रक्रियाओं में एक बड़ी अनियमितता दिखने को मिल रही है। साथ में चाहे वो प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार हो, प्रदेश में बढ़ता महिलाओं पे अत्याचार हो, ऐसे प्रदेश के ज्वलंत विषय को लेकर कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार के इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए, अपना मत रखने के लिए सीएम हाउस के तरफ कूच करेगी। इसमें एक बड़ी संख्या में प्रदेश भर के विद्यार्थी भी सम्मिलित होने वाले हैं। इन सभी हम सभी विद्यार्थियों का नेतृत्व करने के लिए ऐसे अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवाल शुक्ल जी भी हम सभी के मध्य कल रहने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। हम पिछले महीने का ही देखेंगे तो आप देख सकते हैं, 3 साल की छोटी बच्ची से लेकर 55 साल की महिला के साथ तक अनाचार की घटना सामने आई है, जो कि बेहद दर्दनाक व झकझोर देने वाली है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किस तरह इन घटनाओं को रोका जाए, इसके लिए छात्र आक्रोश रैली के माध्यम से एक पहल की है, जिसमें हमारे प्रदेश भर के छात्र सम्मिलित होंगे। विशेषकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़ने की हमारी कोशिश है, जिससे कि हम उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचा सके व जो भी लोग ऐसी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोचते भी हैं, उन्हें भी एक करारा जवाब होगा कि हमारी जो छात्रा हैं उन्हें कमज़ोर ना समझे वो। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ रही इस परमा टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ खुशी सोहेल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।